डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक टोरॉइड के भीतर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, प्रोड्यूस होता है, इसके लिए फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं बाय अप्लाइंग एम्पियर सर्क्यूटर लॉ। एक टोरॉइड क्या होता है, तो हम एक सोलेनाइड लें और सोलेनाइड के दोनों एंड को आपस में मिला दें, मोड़ करके दोनों एंड को मिला दें, तो इस तरह से कॉइल बनेगा। इसी कॉइल को हम कहते हैं सोलेनाइड। इसका जो सिंबल है वो इस तरह से लेते हैं, डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस, ठीक है, क्योंकि यहाँ से करंट अंदर आई, ये बाहर आई, फिर यहाँ से अंदर गई, फिर बाहर आई, फिर अंदर गई, फिर बाहर आई, फिर अंदर गई, तो इस तरह से करंट जो है यहाँ पर फ्लो हो रहा है। तो इसी सोलेनाइड के भीतर कोई पॉइंट पी है, यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला डिराइव करना है। यदि इसमें बहने वाली करंट मान लेते हैं आई के बराबर है, ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल एन एंड करेंट इन द टोरॉइड सपोज इट इज आई। हमें पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है जो इस टोरॉइड के भीतर है। याद रखना, जब हम बाहर जाते हैं टोरॉइड के बाहर, हम इधर बाहर चले जाएं, इधर बाहर चले जाएं, तो आपको B बराबर जीरो मिलेगा, B इज इक्वल टू जीरो मिलेगा, ठीक है ना। एवरेज रेडियस ऑफ द टोरॉइड मान लेते हैं R है, इसकी जो रेडियस R है ये मान लेते हैं कि R के बराबर है। वी हैव टू बी डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P इनसाइड इट। इसके भीतर हमें पॉइंट पी पर एक मानना है, तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पी से जाने वाला एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाया, इसका भी सेंटर कहाँ रहे, तो टोरॉइड के सेंटर पे ही रहे। तो कंस्ट्रक्ट एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट पी। एक ऐसा सर्कल बनाए जो कि पॉइंट पी से होकर के पास हो। तो ये सर्कल ही हमारे लिए क्लोज पाथ का काम करेगा। तो फॉर दिस सर्कल दैट इज क्लोज पाथ फ्रॉम एम्पियर्स सर्क्यूटर लॉ। हम इसमें एम्पियर सर्क्यूटर लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एम्पियर सर्क्यूटर लॉ तो भाई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, म्यू नॉट सिग्मा आई, ठीक। तो बी पैरेलल टू एक्सिस मीन्स अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट पी मिलेगा, और डीएल भी हम इसी के
टेंजेंट की डायरेक्शन में लेते हैं तो बी और डीएल के बीच का एंगल यहाँ जीरो मिलेगा। हम कहीं भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, एंगल जीरो होगा। कहीं भी चले जाएं, बी सेम मिलेगा, यानी बी और कॉस जीरो ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हो गए, इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब मान लीजिए कि इसकी यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन है, जैसे कि हमने वहाँ पर भी माना था, तो फिर हमारे इस क्लोज पाथ को यानी कि सर्कल को कितनी करंट पेनिट्रेट कर रही है, तो इसके भीतर इस क्रॉस वाले जितने टर्न्स आ रहे हैं, यहाँ से करंट जा रही है, यहाँ से जा रही है, सब जगह से करंट अंदर जा रही है, तो जितने टर्न्स आ रहे हैं उतनी बार ये करंट आई हमारे क्लोज पाथ को पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है। तो कितना होगा, तो आई इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो मैंने बी को तो बाहर कर दिया, कॉस जीरो को वैल्यू 1 रख दिया, तो इंटीग्रेट करेंगे केवल डीएल को, इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई इंटू एन इंटू 2πr। यूनिट लेंथ में n है तो पूरा लेंथ कितना हुआ 2πr, तो इतना मिलेगा। अब यहाँ स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, हियर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ में कितने टर्न आ रहे हैं वो हुआ, तो क्या मिलेगा b। अब इस dl को इंटीग्रेट करो फॉर दिस सर्कल, तो क्या होगा टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल, एंड टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल मिल गया 2πr इज इक्वल टू म्यू जीरो आई इंटू एन इंटू 2πr। तो 2πr तो भाई दोनों साइड से कैंसल, एंड देयरफॉर b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। तो इस सोलेनाइड के भीतर इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये वही है फॉर्मूला जो हमने एक सोलेनाइड के लिए निकाला था। एक सोलेनाइड के लिए जो फार्मूला अपने डिराइव किया था वही फार्मूला यहाँ पर भी आता है। तो याद रखना कि इसके भीतर मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा कितना, म्यू नॉट एन आई के बराबर। लेकिन यदि हम इसके बाहर निकल जाए इधर या इधर, तो वहाँ पर दोनों जगह पर बी की वैल्यू जीरो होगा, नो फील्ड इज प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द सोलेनाइड, सॉरी टोराइड। तो टोराइड के भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना होगा, ठीक। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो ही गए होंगे, फार्मूला का डेरिवेशन का हर एक स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। और ये फिर भी कोई डाउट रह जाती है, कोई कन्फ्यूजन रह जाती है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए थ्रू माई कॉमेंट बॉक्स, एंड आई विल बी क्लियर योर कन्फ्यूजन, आई विल ट्राई टू क्लियर योर कन्फ्यूजन, ओके। तो बच्चों ये था एमपीएस सर्किट अल्लाह का एक और एप्लीकेशन। तो अगले वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।